प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, विधानसभा का सत्र भी शुरू हो चुका है, तो क्या अब अशोक गहलोत कैबिनेट का विस्तार कर देंगे? आखिर अब अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार टालने का क्या नया बहाना ढूंढ रहे हैं? सचिन पायलट को कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे अशोक गहलोत? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। साल भर पहले बड़े बेआबरू होकर सचिन पायलट राजस्थान से निकले थे। बची कुछ ही कसर अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने आकर अपने उस बयान से पूरी कर दी जिसमें उन्होंने पायलट को नाकारा और निकम्मा कह दिया था। लेकिन सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री के प्रहारों पर एक भी जवाब नहीं दिया। शायद ये उसी का नतीजा है कि सीएम की कुर्सी तो गहलोत के पास है लेकिन जनता के दिलों पर राज पायलट का चल रहा है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर उनके समर्थकों की उमड़ी भीड़ इस बात का जीता जागता सबूत है कि सचिन पायलट इतने लोकप्रिय नेता हैं, फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं को उनकी लोकप्रियता दिखाई क्यों नहीं देती? क्या आलाकमान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है? यूं ही चलता रहा तो कांग्रेस को अपने इस फैसले में देरी के लिए कहीं पछताना न पड़ जाए। पहले कोरोना का बहाना, फिर अपनी बीमारी, फिर चुनाव दलील, उसके बाद विधानसभा का सत्र का इंतजार। ऐसे तमाम बहाने बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार को टालते गए। आखिर अपने अधिकार को पाने के लिए पायलट के लोगों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा? ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत कैबिनेट विस्तार को टालने के लिए फिर कोई नया बहाना तलाश रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से गहलोत गुट की ओर से लगातार पायलट खेमे पर निशाना साधा जा रहा है। राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव के परिणाम आने के बाद गहलोत गुट की ओर से पायलट के लोगों को जयचंद कह रहा है तो कोई धोखेबाज कह रहा है। गहलोत के खास मंत्री अशोक चांदना ने तो कई जगहों पर कांग्रेस को मिली चुनावी हार का ठिकाना पायलट के सिर पर फोड़ दिया है। चांदना चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो अब आलाकमान से पायलट के लोगों की शिकायत करेंगे। सचिन पायलट की शिकायत करने के लिए पहले भी गहलोत गुट के कई नेता, यहां तक कि खुद सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली दरबार के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन ना तो पायलट पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही उनके साथियों पर कोई एक्शन लिया गया। उल्टा प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने तो सबके सामने पायलट की तारीफ भी कर दी। अब पायलट के लोगों को गहलोत कैबिनेट में मंत्री बनाए न बनाए ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन ये भी सच है कि अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान के आदेश को भी कहीं अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस में कोई भी चाहे जितना भी ताकतवर हो दिल्ली दरबार में जाकर उसे झुकना ही पड़ता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आ रही थी अशोक गहलोत विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट विस्तार की घोषणा करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई आसान नजर नहीं आ रहे। तो अब क्या आलाकमान फिर से अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को राजस्थान भेजेंगे या फिर वहीं से कोई नया फरमान जारी होगा? इस बात को लेकर पायलट खेमा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बहरहाल कैबिनेट का विस्तार यूं ही ठंडा पड़ा है और ये तो होने से रहा। अगर वक्त रहते अशोक गहलोत ने इस पर कोई फैसला नहीं किया तो हो सकता है दिल्ली वालों को जवाब देना अशोक गहलोत को भारी पड़ जाए।